आइए आज हम आपको एक ऐसे गायक से मिलाते हैं जो जन्म से ही पूरी तरह से अंधा है और अपनी गायकी से आज वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। कहते हैं कि जब कोई ज्ञानेंद्रिया ईश्वर छीन लेता है तो उससे बड़ी ज्ञानेंद्रिया उनके जीवन के बेहतर निर्माण के लिए माँ ईश्वर उसे दे देता है। वही हाल शक्तवान का है जो बचपन से ही गायकी के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर चुका है। विभिन्न आँखों के तारे भारत माँ की आँखों के तारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ घर घर में तुम दीप जलाओ इस जीवन की आस तुम ही हो बनता हुआ इतिहास तुम ही हो भारत माँ की आँखों के तारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे एक है जो नन्हा सा बस्ता जिसमें फूलों का गुलदस्ता राम है इसमें कृष्ण है इसमें सब धर्मों के भगवान है इसमें इस बसते को शीश झुकाओ रोज रोज तुम पढ़ने जाओ भारत माँ की आँखों के तारे नन्हे मुन्ने राज साल की थी जब माँ का सर्वास हुआ और वैष्णवी नाम है बच्चे का मेरी शिक्षा कुछ नहीं है महोदय जी मैंने पढ़ा नहीं है। जो गायन आप जो लगातार कर रहे हैं जी ये कितने वर्षों से कर रहे हैं और इसकी आपने कहीं शिक्षा ली हुई है? मैंने शिक्षा महोदय जी कहीं तो नहीं लिया मतलब 1984 से गायन विद्या ये गायन विद्या के आपने अभी तक कितने मंचों में और कौन कौन से बड़े मंचों में आपने अभी तक ये गायन जो विद्या है आपने प्रस्तुत की? मैंने बहुत बड़े बड़े मंच में कार्यक्रम किया। सुनने में आया कि आप दिल्ली में भी गायन करते हैं तो वो कौन सा मंच और किन लोगों के बीच में आप जाकर अपने गायन की प्रतिभा दिखाते हैं? अब यही है कि हंसलोक आश्रम माता मंगला जी श्री कॉलेज महाराज के सानिध्य में जो है दिल्ली का एक सबसे बड़ा मंच कहना चाहिए जब केजरीवाल जी की उपस्थिति में हमने किया था तो केजरीवाल जी ने उनका नाम सुन के ही आए थे वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो आए थे हमने उनके सामने भजन भी रखा था और हमने दिल्ली के मंच में शुरू बार तो मैंने दूरदर्शन में कार्यक्रम किया तो उन्होंने दो बार तक मुझे दिल्ली दूरदर्शन ले गए। दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ इस भरी सरस्वती का देन है और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे गाएं भजन कीर्तन करें। सत्वांश को मैं अभी से नहीं उसके बचपन से जानता हूँ जैसे अभी आला गाता है वो आला वो तो देख के भी गाते हैं तो अटक जाते हैं वो ऐसा आला गा रहा है कोई की अटकने की कोई जरूरत नहीं है उसकी जो
अपने कंठ में रखता है। भवानी अरे दाहिनी शनमुख रही ओ गौर गणे, पांच देव रक्षा कर मैया, ब्रह्मा विष्णु और महे, चंडी सुमरो काश्मीर की, दाहिने भुजा विराजो आए, घूमिया सुमरो गढ़ में डर की, जो मेरे हर दम करे सहाय। पहले भूमिका अदा की है, आइए सुनते हैं उसकी गायकी का एक और अंदाज। और कमलनाथ जी के साथ भी हमने बहुत 15 दिन हमको एक जीप दे दी गई थी, दो पुलिस वाले दे दिए गए थे, 15 दिन बाद शिकारपुर में रहकर कमलनाथ जी के सामने भी आपने जी गायन प्रतिभा रखी जी। हमने उनके लिए एक गीत बनाया था और वो गीत बहुत प्रसन्न हुआ था। जैसे मैंने कटनी में कार्यक्रम किया, जबलपुर में कार्यक्रम किया, डिंडोरी में किया, दिल्ली में किया, नागपुर संभाग में भी किया, देवास जिला में भी अच्छा मंच मिला, होशंगाबाद जिला में है, इटारसी तहसील है और ब्लॉक केसला ग्राम 100 साल हो गए। आप बचपन से ही जन्मांध हैं? हाँ, जन्म ही से, बचपन से। हाँ बिल्कुल, जन्म से ही, मतलब पैदाइश से ही सूरदास की है। आपने गायन कला में इतने अच्छे मुकाम हासिल किए और बड़े बड़े लोगों के साथ आपने गाना गाया, शासन से आपको आज तक क्या सुविधा मिली? आज तक मेरे को शासन से कुछ नहीं मिला, लेकिन उस तक अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया गया। वादा बहुत किए लोगों, किन किन ने वादा किया आपने? एक बार हमको वादा, तो अब मैं किस किस के नाम बताऊँ, बताना भी अच्छा नहीं है। और कोई बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े नेता या अधिकारियों ने आपको? अब बड़े अधिकारियों ने तो ये काम किया था कि मैं आपको बताऊं कि अब मुख्यमंत्री 10 साल रहे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने मंत्री जी के कंधे में हाथ रखा, मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था। हमने 5 मांग रखी थी मंत्री जी से। कौन कौन सी? हमने मांग रखा था, मांग की हमारा बस में जो है हमारा किराया माफ होना चाहिए, हमको मकान मिलना चाहिए, हम सूरदास हैं, हमको कुछ नहीं है। मंडला से अरे जाने की खास